दोस्तों बॉलीवुड में एक से बढ़कर एक फिल्में आई हैं, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म की। ये वो फिल्में हैं जो कि बहुत ही कम बजट में बहुत ज्यादा कमाई करके प्रोड्यूसर को माला माल कर दिया। तो आइए देखते हैं। तो साल 1943 में एक फिल्म आई थी किस्मत। इस फिल्म का बजट लगभग 5 लाख का था। फिल्म ने इंडिया बॉक्स ऑफिस पर लगभग 95 लाख की कमाई की, वहीं दुनिया भर से 2 करोड़ की कमाई की थी यह फिल्म, और यह फिल्म ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बनी थी। इसके बाद साल 1944 में फिल्म आई थी रतन। फिल्म के मुख्य किरदार में थे स्वर्णलता, करण दीवान और आमिर बानू। बजट इस फिल्म का लगभग 5 लाख का था। फिल्म ने इंडिया से 95 लाख की कमाई की थी और वर्ल्ड वाइड 2 करोड़ की कमाई करके ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बनी थी। दोस्तों इसके बाद बात करते हैं 1957 में फिल्म आई थी मदर इंडिया, जिसे आप सब लोग जानते होंगे। फिल्म के मुख्य किरदार में थी नरगिस, सुनील दत्त और राजकुमार। इस फिल्म का बजट लगभग 1 करोड़ का था। फिल्म ने इंडिया से 4 करोड़ 10 लाख की कमाई की, वहीं दुनिया भर से 9 करोड़ की कमाई करके ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बनी थी। दोस्तों इसके बाद 1960 में फिल्म आई थी मुगले आजम। इस फिल्म के मुख्य किरदार में पृथ्वीराज कपूर, दिलीप कुमार और मधुबाला थी। बजट इस फिल्म का लगभग 60 लाख का था। फिल्म ने इंडिया बॉक्स ऑफिस से 5 करोड़ 40 लाख की कमाई की, वहीं दुनिया भर से 10 करोड़ 80 लाख की कमाई करके ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बनी थी। दोस्तों इसके बाद 1975 में फिल्म आई थी शोले। फिल्म के मुख्य किरदार में थे धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी, अमजद खान, जया बहादुरी, संजीव कुमार और असरानी। इस फिल्म को भी आप लोगों ने जरूर देखा होगा। बजट इस फिल्म का लगभग 3 करोड़ था। फिल्म ने उस टाइम इंडिया से 15 करोड़ 50 लाख की कमाई की थी, वहीं दुनिया भर से 50 करोड़ की कमाई कर ली थी। इस तरह से यह फिल्म ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बनी। इसके बाद 1975 में एक और फिल्म आई थी जय संतोषीमा। फिल्म के मुख्य किरदार में थे कानन कौशल, भारत भूषण, आशीष कुमार, अनीता गुहा और कबीर खान। फिल्म का बजट लगभग 30 लाख का था। फिल्म ने इंडिया से 5 करोड़ 15 लाख की कमाई की, वहीं दुनिया भर से 10 करोड़ 50 लाख की कमाई करके ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बनी थी। दोस्तों इसके बाद 1985 में फिल्म आई थी राम तेरी गंगा मैली। फिल्म के मुख्य किरदार में मंदाकिनी और राजीव कपूर थे। बजट इस फिल्म का लगभग 1 करोड़ 44 लाख का था। फिल्म ने इंडिया से 10 करोड़ की कमाई की, वहीं दुनिया भर से 19 करोड़ की कमाई के साथ यह फिल्म भी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बनी। दोस्तों 1989 में फिल्म आई थी मैंने प्यार किया। फिल्म के मुख्य किरदार में थे सलमान खान, भाग्यश्री, पटवर्धन, रीमा लागू, मोहिनी बहन और आलोक नाथ। बजट इस फिल्म का लगभग 4 करोड़ था। फिल्म ने इंडिया से 14 करोड़ 31 लाख की कमाई की, वहीं दुनिया भर से 27 करोड़ 50 लाख की कमाई करके यह फिल्म भी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बनी। 1993 में एक बड़ी फिल्म आई थी आंखें। फिल्म के मुख्य किरदार में गोविंदा, चंकी पांडे, शिल्पा शिरोडकर, राज बब्बर, कादर खान, शक्ति कपूर और सदाशिव अमरापुरकर थे। बजट इस फिल्म का लगभग 2 करोड़ का था। फिल्म ने इंडिया से 13 करोड़ 50 लाख की कमाई की, वहीं दुनिया भर से 18 करोड़ 84 लाख की कमाई के साथ यह फिल्म भी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बनी। इसके बाद 1994 में फिल्म आई हम आपके हैं कौन। फिल्म के मुख्य किरदार में सलमान खान, माधुरी दीक्षित, मोहिनी बहन, रेणुका साहाने, अनुपम खेर, रीमा लागू और आलोक नाथ थे। बजट इस फिल्म का लगभग 6 करोड़ का था। फिल्म ने इंडिया से 72 करोड़ 48 लाख की कमाई की, वहीं दुनिया भर से यह फिल्म 128 करोड़ की कमाई कर गई। पहली बार ऐसी फिल्म थी जो कि 100 करोड़ का आंकड़ा वर्ल्ड वाइड क्रॉस किया था, और यह फिल्म भी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बनी थी। 1995 में फिल्म आई थी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। फिल्म के मुख्य किरदार में शाहरुख खान, काजोल और अमरीश पुरी थे। बजट इस फिल्म का लगभग 4 करोड़ था। फिल्म ने इंडिया से 53 करोड़ 32 लाख की कमाई की, वह दुनिया भर से 102 करोड़ 50 लाख की कमाई के साथ ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बनी थी। दोस्तों इसके बाद 1996 में फिल्म आई राजा हिंदुस्तानी। फिल्म के मुख्य किरदार में आमिर खान, करिश्मा कपूर थी। बजट इस फिल्म का लगभग 6 करोड़ था। फिल्म ने इंडिया से 43 करोड़ 20 लाख की कमाई की, वहीं दुनिया भर से 76 करोड़ 38 लाख की कमाई के साथ यह फिल्म भी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बनी थी। दोस्तों 1997 में एक और फिल्म आई थी बॉर्डर। सनी देओल, सुनील शेट्टी, अक्षय खन्ना, जैकी श्रॉफ, तब्बू और पूजा भट्ट इस फिल्म के मुख्य किरदार में थी। बजट इस फिल्म का लगभग 10 करोड़ था। फिल्म ने इंडिया से 39 करोड़ 30 लाख की कमाई की, वहीं दुनिया भर से 64 करोड़ 98 लाख की कमाई करके ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बनी थी। इसके बाद 1998 में फिल्म आई थी कुछ कुछ होता है। शाहरुख खान, काजोल, रानी मुखर्जी, सलमान खान इस फिल्म के मुख्य किरदार में थे। बजट इस फिल्म का लगभग 14 करोड़ का था। फिल्म ने इंडिया से 46 करोड़ 88 लाख की कमाई की, वहीं दुनिया भर से 91 करोड़ 9 लाख की कमाई करके यह फिल्म ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बनी थी। दोस्तों 2001 में फिल्म आई थी गदर।
फिल्म के मुख्य किरदार में सनी देओल, अमीषा पटेल और अमरीश पुरी थे। बजट इस फिल्म का लगभग 18 करोड़ था। फिल्म ने इंडिया से 76 करोड़ 65 लाख की कमाई की, वही दुनिया भर से 132 करोड़ 60 लाख की कमाई के साथ यह फिल्म ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बनी थी। दोस्तों 2009 में फिल्म आई थी थ्री इडियट्स। आमिर खान, आर माधवन, सरमन जोशी, करीना कपूर, बोमन ईरानी और ओमी बैद मुख्य किरदार में थे। बजट इस फिल्म का लगभग 55 करोड़ था। फिल्म ने इंडिया से 202 करोड़ 47 लाख की कमाई की और वर्ल्ड वाइड 460 करोड़ की कमाई के साथ यह फिल्म ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बनी थी। दोस्तों इस फिल्म को आज भी कॉमेडी की सबसे बड़ी फिल्म माना जाता है। दोस्तों 2010 में फिल्म आई थी दबंग। सलमान खान, सोनाक्षी सिन्हा, अरबाज खान इस फिल्म के मुख्य किरदार में थे। बजट इस फिल्म का लगभग 42 करोड़ था। फिल्म ने इंडिया से 140 करोड़ 22 लाख की कमाई की, वही दुनिया भर से 215 करोड़ की कमाई के साथ यह फिल्म ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बनी थी। दोस्तों 2013 में फिल्म आई थी धूम 3। आमिर खान के साथ कैटरीना कैफ, अभिषेक बच्चन और उदय चोपड़ा इस फिल्म के मुख्य किरदार में थे। बजट इस फिल्म का लगभग 175 करोड़ था। फिल्म ने इंडिया से 284 करोड़ 27 लाख की कमाई की, वही दुनिया भर से 558 करोड़ की कमाई के साथ यह फिल्म ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बनी थी। इसके बाद 2014 में एक फिल्म आई थी पीके। आमिर खान और अनुष्का शर्मा इस फिल्म के मुख्य किरदार में थी। बजट इस फिल्म का लगभग 85 करोड़ था। फिल्म ने 340 करोड़ 80 लाख की कमाई की, वही दुनिया भर से 792 करोड़ की कमाई के साथ यह फिल्म भी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बनी थी। दोस्तों 2015 में एक फिल्म आई थी बजरंगी भाईजान। सलमान खान, हर्षाली मल्होत्रा, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, करीना कपूर इस फिल्म के मुख्य किरदार में थी। बजट इस फिल्म का लगभग 90 करोड़ था। फिल्म ने इंडिया से 320 करोड़ 34 लाख की कमाई की, वही दुनिया भर से 922 करोड़ 17 लाख की कमाई के साथ यह फिल्म ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बनी थी। 2017 में एक फिल्म आई थी बाहुबली 2। यह एक साउथ इंडियन फिल्म थी। प्रभास, राणा दग्गुबती, अनुष्का शर्मा, तमन्ना, रामा कृष्णन और नसार इस फिल्म के मुख्य किरदार में थे। बजट इस फिल्म का लगभग 250 करोड़ था। फिल्म ने इंडिया से 1030 करोड़ 42 लाख की कमाई की, वही दुनिया भर से 1788 करोड़ 6 लाख की कमाई के साथ यह फिल्म ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बनी थी। दोस्तों 2018 में एक फिल्म आई थी संजू। फिल्म के मुख्य किरदार में थे रणबीर कपूर, अनुष्का शर्मा, सोनम कपूर, तब्बू, परेश रावल, विक्की कौशल, मनीषा कोइराला। बजट इस फिल्म का लगभग 100 करोड़ था। फिल्म ने इंडिया से 342 करोड़ 57 लाख की कमाई की, वही दुनिया भर से 588 करोड़ 50 लाख की कमाई करके यह फिल्म भी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बनी थी। दोस्तों 2019 में एक फिल्म आई थी कबीर सिंह। शाहिद कपूर, कियारा आडवाणी इस फिल्म के मुख्य किरदार में थे। बजट इस फिल्म का लगभग 55 करोड़ था। फिल्म ने इंडिया से 278 करोड़ 80 लाख की कमाई की, वही दुनिया भर से 377 करोड़ की कमाई करके यह फिल्म भी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बनी थी। 2019 में फिल्म आई थी उरी द सर्जिकल स्ट्राइक। विक्की कौशल, परेश रावल और यामी गौतम इस फिल्म के मुख्य किरदार में थी। बजट इस फिल्म का लगभग 42 करोड़ था। फिल्म ने इंडिया से 244 करोड़ 14 लाख की कमाई की, वही दुनिया भर से 341 करोड़ 75 लाख की कमाई के साथ यह फिल्म ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बनी थी। दोस्तों 2022 में एक फिल्म आई केजीएफ चैप्टर 2। फिल्म के मुख्य किरदार में यह संजय दत्त, रवीना टंडन, श्रीनिधि शेट्टी थी। बजट इस फिल्म का लगभग 100 करोड़ था। दोस्तों फिल्म ने इंडिया से 1000 करोड़ 85 लाख की कमाई की, वही दुनिया भर से 1208 करोड़ की कमाई के साथ ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बनी यह फिल्म। दोस्तों 2022 में एक फिल्म आई है विक्रम। फिल्म के मुख्य किरदार में कमल हसन, फहद फासिल, विजय सेतुपति थे। बजट इस फिल्म का लगभग 120 करोड़ था। फिल्म ने इंडिया से 247 करोड़ 32 लाख की कमाई की, वही दुनिया भर से 414 करोड़ 43 लाख की कमाई के साथ यह फिल्म भी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बनी। इसके बाद 2022 में फिल्म आई थी द कश्मीर फाइल्स। मिथुन चक्रवर्ती, अनुपम खेर, पल्लवी जोशी, पुनीत इस्सर इस फिल्म के मुख्य किरदार में थे। बजट इस फिल्म का लगभग 20 करोड़ था। फिल्म ने इंडिया से 252 करोड़ 25 लाख की कमाई की, वही दुनिया भर से 341 करोड़ की कमाई करके ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बनी थी। दोस्तों 2022 में एक और फिल्म आई दृश्यम 2। अजय देवगन, श्रिया शरण, तब्बू, अक्षय खन्ना, इशिता दत्ता इस फिल्म के मुख्य किरदार में थी। बजट इस फिल्म का लगभग 50 करोड़ था। फिल्म ने इंडिया से 239 करोड़ 67 लाख की कमाई की, वही दुनिया भर से 342 करोड़ 31 लाख की कमाई करके यह फिल्म ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बनी। दोस्तों 2023 में अभी अभी फिल्म आई है पठान। फिल्म के मुख्य किरदार में शाहरुख खान, जॉन अब्राहिम, दीपिका पादुकोण नजर आ रही हैं। दोस्तों इस फिल्म का बजट लगभग 250 करोड़ है। फिल्म ने इंडिया से अभी तक 518 करोड़ 6 लाख की कमाई कर ली है। दोस्तों वही फिल्म ने दुनिया भर से 1004 करोड़ 39 लाख की कमाई करके ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बन चुकी है।